हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उदय कुमार। आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश से एक बहुत ही बैड न्यूज़ आ रही है दोस्तों। आज के आर्टिकल में, पेपर में ये छपा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जो 13 नए मेडिकल कॉलेज खुलने थे उसमें इस साल से पढ़ाई शुरू नहीं हो पाएगी। ये देखिए, 13 नए मेडिकल कॉलेज में अभी नहीं शुरू हो पाएगी MBBS की पढ़ाई। बहुत ही बुरा न्यूज़ उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए और ऑल इंडिया के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और ऑल इंडिया के कट ऑफ पे भी अगर उत्तर प्रदेश में कम सीटें होती है तो ऑल इंडिया में आ जाते हैं। पिछले साल आपने देखा था, अगर इस बार नहीं खुलता है तो उत्तर प्रदेश का कट ऑफ जो है ज़्यादा रहेगी ऑल इंडिया से भी। ठीक है, अब देखिए, और न्यूज में यही दिया हुआ है, शैक्षिक सत्र 2023-24 से 13 नए मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई नहीं शुरू हो पाएगी। इनमें से इस सत्र से दाखिला लिए जाने थे। अब इसमें जैसे पहले न्यूज था कि इसी सत्र से दाखिला लेना है, लेकिन मानक पूरे न होने के कारण मामला लटक गया है। सभी मेडिकल कॉलेज में MBBS की 100-100 सीट है। इस सत्र में अगर इन कॉलेज में पढ़ाई शुरू होती तो MBBS की 1300 सीटें बचती। अब अगले वर्ष का इंतजार करना होगा। अभी निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेज में इस कोर्स की 8500 सीटें हैं। प्रदेश में 13 बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात और कौशाम्बी के जिला अस्पतालों को पुरस्कृत कर मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। तो ये जो है 13 मेडिकल कॉलेज का न्यूज़ है दोस्तों, जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। बहुत ही बैड न्यूज़, क्योंकि ये 13 मेडिकल कॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता अगर ये इस शैक्षिक सत्र से, इस एकेडमिक ईयर से क्लास शुरू हो जाती। और उम्मीद थी कि ये 13 नए मेडिकल कॉलेज आ जाएगी और कट ऑफ पे बहुत इफेक्ट पड़ता दोस्तों, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक चैनल पे नया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।